हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स हर कोई लगाना अपने घर में पसंद करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं चलता कि कौन से प्लांट इंडोर होते हैं और अगस्त सितंबर में हम कौन से प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंडोर प्लांट्स के बारे में। पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो सबसे पहला प्लांट है वो है क्रिसमस ट्री। आप वीडियो में देख सकते हो इस तरह का होता है क्रिसमस ट्री। इसे आप इस टाइम में लाकर नर्सरी से ग्रो कर सकते हो। ये प्लांट आपको 100 से 150 तक मिल जाएगा इजीली। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये, देख सकते हो आप। इसके ये जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं गोल गोल, ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जब आप इसे अपने गार्डन में ग्रो करते हो। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों वो है स्नेक प्लांट। दोस्तों स्नेक प्लांट की बहुत सी वैरायटी आती है, कम से कम 100 से ऊपर वैरायटी का स्नेक प्लांट मिलता है। आप देख सकते हो मेरे पास कम से कम भी 10 वैरायटी का स्नेक प्लांट होगा। ये जो ग्रीन वाला है, डार्क ग्रीन, ये कॉमन स्नेक प्लांट होता है, देसी वाला। जो बाकी स्नेक प्लांट आप देख रहे हो ये हाइब्रिड स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक हाई ऑक्सीजन गिवन प्लांट होता है और सबसे ज़्यादा जो प्ल्यूटिक गैसेस को प्योरीफायर करता है और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला जो प्लांट है वो स्नेक प्लांट है। नर्सरी वाले आपको बहुत ही कॉस्टली ये प्लांट देते हैं। इतना बड़ा जितना आप मेरे पॉट में देख रहे हो, कम से कम भी 500 का आपको प्लांट मिलेगा। एक प्लांट आप ले आएंगे, उसमें से उसकी डिवाइडेशन करके आप अनेकों प्लांट बना सकते हैं। ये भी स्नेक प्लांट है दोस्तों, देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो एक प्लांट में कितने सारे प्लांट बन गए हैं। दोस्तों मेरे घर में पेंट का काम चल रहा है, इसीलिए मैंने सभी जो प्लांट्स है एक साथ रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है दोस्तों मॉन्स्टेरा। ये देख सकते हो, ये मॉन्स्टेरा सेलम है। इसे आप इजीली ग्रो कर सकते हो। काफ़ी ये मेरा ये प्लांट है 5 ईयर ओल्ड का प्लांट है। इसकी जो एज है 5 ईयर है। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो वो है पीस लिली। ये देख सकते हो कितने खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। दोस्तों ये मैंने 3 डेज हुए हैं नया नर्सरी से लेकर आया हूँ और लगाया है। ये देख सकते हो पीस लिली सबसे अच्छा प्लांट होता है इंडोर। ये डार्क रूम में भी चलता है जहाँ लाइट कम आती हो। और जो नेक्स्ट अगर बात करूँ पोथोस है, जिसे हम मनी प्लांट बोल देते हैं। पोथोस की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। ये जो वैरायटी है आपके सामने, जो न्योन पोथोस है, जिसके पत्ते हल्के येलो में होते हैं। दोस्तों बाकी प्लांट भी होते हैं, लेकिन आप इन मैं इन प्लांट को ही प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी संभाल करनी ईजी है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है मॉन्स्टेरा स्विस चाइनीज़, या इसे आप ब्रोकन हार्ट भी बोल सकते हो। आप इसके जो पत्ते हैं उनका शेप देख सकते हो कितनी सुंदर होती है, जैसे पत्तों में छेद हुए हैं, कोई कीड़ा जैसे छेद कर गया है। लेकिन दोस्तों ये मॉन्स्टिक के सहारे लगा हुआ है। इसके पत्ते इसी प्रकार के होते हैं, सुंदर सुंदर। आप देख सकते हो मेरा कितना बड़ा प्लांट है। अगर ये प्लांट आप लेने जाएंगे और आपको ये प्लांट 300 से 400 की रेंज में मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट की बात करूं दोस्तों, जितने भी डंप केन, डेफन बेचिया होता है, ये वाला प्लांट जो आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे भी ग्रो कर सकते हो। इस टाइम में इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। बस पानी आपने, जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं इनको कम देना है। अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो रूट रॉट हो जाते हैं, इनकी जड़ों में फंगस लग जाती है, आपका प्लांट नीचे से ख़राब होने लग जाता है। इधर भी स्नेक प्लांट लगा है और मॉन्स्टेरा के प्लांट है। जितने भी मॉन्स्टेरा और पोथोस है, स्नेक प्लांट है, इसे लगा सकते हो। इस टाइम आप ये भी देख सकते हो कितना खूबसूरत प्लांट है मेरा, एग्लोनिमा पिंक है। इसे भी आप इजीली ग्रो कर सकते हो इस टाइम में, कितना सुंदर है देख सकते हो आप। नेक्स्ट प्लांट की बात करूं तो दोस्तों वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट देख सकते हो आप। दोस्तों रबर प्लांट को भी इस टाइम में लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों रबर प्लांट को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हो, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हो। आप इसकी पत्ते की देख सकते हो, अगर आप इसे इंडोर शिफ्ट कर दोगे तो थोड़ी चमक कम रहेगी, लेकिन आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। ठीक है दोस्तों,
अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस और प्लांट की इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप साथ ही साथ आप भी प्लांट लगाना शुरू कीजिए दोस्तों, प्लांट लगाना की हैबिट डालिए, अच्छा होता है प्लांट लगाना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।